जी जी आज मेरा सैलरी दे। हाँ मैं निकाल कर रखा था तुम्हारा सैलरी, ये लीजिए सैलरी। उत्तम जी तुम इधर कितना साल हो गया परदेश में? टोटल हो गया सर 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, फिर तो तुम्हारे पास तो अच्छा कमाई, पर्सनल सेविंग अच्छा होगा। इधर आज तक एक अकाउंट भी नहीं है मेरा। अच्छा तुम सैलरी मिलेगा तो क्या करता है यार? क्या करें, बस अपना कुछ खर्चे के लिए कुछ रखेगा, बाकी घर में भेजते हम क्या करेंगे। एक बात बोलूं, अगर तुम सोचेगा तो महीना में 100 रियल कम से कम हटा के रख सकता है ना? हाँ वो तो रख सकते हैं। ऐसा तुम रखा हो तो अभी तक तुम्हारा पास तो थोड़ा बहुत तो पैसा बचता था ना? खैर छोड़ो, जो गया गया, अभी आने वाला दिन में तो केयर रखो, ओके? नहीं तो तुम देता रहेगा, घर वाला लेता रहेगा, तुम्हारा देना कभी खत्म नहीं होगा, वो लोग का लेना भी कभी खत्म नहीं होगा। आखिर में तुम बुढ़ा हो जाएगा, काम करने के लायक नहीं रहेगा, घर में जाएगा तो तुमको एक कुत्ता का कीमत भी नहीं रहेगा। याद रखना, तुमको एक बात बताऊं, 35 साल परदेश में गुजर के एक आदमी गया था, उसका कहानी तुमको मैं बताता हूँ। वो अच्छा प्रॉपर्टी कमाया था, लेकिन उन्होंने एक ही गलती किया था, पूरा प्रॉपर्टी अपना बीवी और बच्चा का नाम पर रखा था। आखिर में उसके साथ क्या हो गया मालूम है? वो जब बीमार हो गया, घर में लेट गया था ना, वो मरने का 3 दिन का बाद घर वाले को पता चला वो मर चुका है। वो जब लेट गया था ना, उसको एक कमरे में बंद करके रखा था मालूम है, भूख से मरा था वो बेचारा, वो भी एक परदेशी था। ये हादसा केरला में हुआ था, हकीकत है। इसलिए परदेशी वालों होशियार रहना, ये सच बात है कि हम लोग अपना परिवार के लिए देश सब छोड़ के इधर परदेशी बन के रुका है, फिर भी अपना बारे में भी सोचो, खुद के बारे में भी हमेशा सोचो। हर महीना कम से कम एक छोटा सा सेविंग्स अपना नाम पे रखो, वो भविष्य में ना वो सेविंग्स तुम लोग को बहुत साथ देगा, ये सच हमेशा याद रखना, ओके?